घूमना टहलना हो तो बताइए, स्टीमर है घुमा दिया जाएगा। इलाहाबाद की ठंडी के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? फ्रिज खोल दी गई है। फ्रिज खोल दिया है। मोबाइल भेज दो। इलाहाबाद की फ्रिज खोल दी गई है ना। क्या चाहोगे बोलना मोदी के बारे में? आंखों की हरकतों ने कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, मी प्रिंसा वट पोला इज हियर। सो फ्रेंड्स, मैं आया हूँ यूपी। मैं यूपी आया हूँ एक मेरे दोस्त की वेडिंग में, तो मैं सोचा क्यों ना यहाँ का भी डेली ब्लॉग करूँ। जैसे कि मैं कहीं भी आउट ऑफ स्टेट जाता हूँ तो वहाँ का डेली ब्लॉग करता ही हूँ। तो मेरी कोशिश अभी फ़िलहाल तो आउट ऑफ स्टेट की डेली ब्लॉग की चालू है। अभी मैं रेगुलर डेली ब्लॉग भी करने का ट्राई करूँगा, बट अभी मैं आउट ऑफ स्टेट का ही कर रहा हूँ। तो आज का मेरा यहाँ का सेकंड डे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये चीज़ शेयर करना चाह रहा था। क्योंकि सीन ऐसा हो गया ना, क्योंकि मेरा जो फ़ोन था, मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं हो रही थी, तो मेरा फ़ोन थोड़ा ख़राब हो गया। तो मैं अभी मेरे दोस्त के मोबाइल में शूट कर रहा हूँ। तो आज है मेरा सेकंड डे, बट मैं आज से यहाँ का डेली ब्लॉगिंग चालू करूँ, यहाँ का यूपी के टूर का डेली ब्लॉग स्टार्ट कर दे। आज मैं बहुत ज़्यादा नींद भरी यार, मतलब एकदम ना बॉडी को रिलैक्स ही नहीं मिला, क्योंकि आए ट्रेन का सफ़र बहुत थोड़ा भारी पड़ गया, और फिर यहाँ मोबाइल ख़राब हो गया। तो कल यहाँ मोबाइल के चक्कर में घूम रहा था, बट यहाँ मतलब अच्छा सर्विस देने वाला कोई था नहीं, तो इस वजह से मैं अभी मेरे दोस्त के मोबाइल में शूट कर रहा हूँ। तो जैसे भी ये देखते आगे क्या होता है क्या नहीं। तो अभी हम लोग जाएंगे नाश्ता करने, और हमारे एक भाई की थोड़ी तबीयत ख़राब है तो उनको दवा दिलाने जाएंगे। तो फिर यहाँ भी क्या क्या मोमेंट्स होती है तो वो कैप्चर करेंगे। तो फिर देखते क्या है क्या नहीं, तो मिलते हैं फिर आगे। कैसा फील हो रहा है? आपकी तबीयत ख़राब है? हाँ साजिद भाई, ठंडी लग रही है और मसला तो कुछ और मसला तो कुछ और था। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग ने देखा कि हमारे साजिद भाई की थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है, तो इस वजह से भी हम लोग जस्ट वहाँ से यहाँ पर आए, उनके मतलब डॉक्टर को थोड़ा साजिद भाई बताइए। नहीं नहीं, बवाल नहीं किया, अभी ऑडियंस को नहीं मालूम, सबके लिए सरप्राइज। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना फ्रेंड्स? अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ के दरगाह पर, कोई कड़ करके एक गाँव है, वहाँ पर वो दरगाह है, कड़े शरीफ, तो कड़े शरीफ करके दरगाह है, तो वहाँ पर जा रहे हैं। जस्ट अभी हम लोग पेट्रोल भरा के निकले, तो ख्वाजा कड़क शाह, ख्वाजा कड़क शाह। वही बोल रहा हूँ को, सस्पेंस है कि शादी किसकी है, वो अभी एक हफ्ते बाद पता चलेगा। तो उसके लिए आप लोगों को मेरा डेली व्लॉग देखना पड़ेगा। तो जाना है क्योंकि मेरा मोबाइल का काम रुका है, तो या नहीं जाएगी उस वो चीज़ का कुछ कंफर्मेशन नहीं है। जाएगी तो मैं वहाँ का भी आप लोगों को सीन बता दूँ। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ से निकल चुके हैं, अभी जा रहे हैं यहाँ के कोई 2-3 किलोमीटर पे एक और दरगाह है, कुबरी घाट, और वहाँ पर है गंगा। यूपी में जो बड़ी रिवर है गंगा रिवर, वो वहाँ पर ही है। तो अभी वहाँ पे जा रहे हैं। साजिद भाई का भी डिसीजन ये हुआ है कि पहले वहाँ जाएंगे फिर वहाँ जाकर सोचेंगे। तो
देखते हैं अभी फिर वहाँ चलते हैं। और यहाँ का सीन तो यार इतना है ना पूरा, मतलब एक ही वे पूरा रास्ता एक ही है, रोड पूरा एक ही है उधर ही, मतलब वन रोड पे। हाँ साजिद भाई क्या बोल रहे हो, लाइन चौका हुआ अभी थे सब चौकअप बराबर हो जाएगा, पूरा फ्री हो जाएगा। वही है मजा आ जाता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये है गंगना जमुना रिवर, ये बहुत बड़ा रिवर है, मतलब हिंदू लोग का बहुत बड़ा स्थान भी बोलते हैं इसको, कि यहाँ मतलब डुबकी लगाने से उन लोग के पाप धुल जाते। आप कुछ बोल रहे हैं? घूमना टहलना हो तो बताइए, स्टीमर है घुमा दिया जाएगा। अच्छा ये पानी इसमें शिप में? हाँ। अच्छा तो उसके क्या चार्जेस है? एक आदमी 50 रुपए है, उसको जाएगी उसको घुमा के जाएगी। अच्छा यहाँ बैक साइड में जो शिप है ना, तो उसके लिए वो उसका मतलब एक राउंड मारने का वन बंदे का 50 रुपीज़ पे करने का बोल रहे, तो देखते हैं अगर वो राइड करेगी या फिर जाएंगे दरगाह पे। तो हम लोग उतरते साथ ही डायरेक्ट इधर आ गए थे, क्योंकि रिवर मतलब बहुत बड़ा और यहाँ मतलब बहुत से लोग आ रहे, जैसे कि देखो ये मेरे बैक साइड है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग ये दरगाह पर पहुंच चुके, तो अभी साजिद भाई लोग गए, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कैसा आया रात को आते साथ ही, मतलब कल का दिन नहा लिया था, फिर तब से अभी तक नहाया नहीं, फ्रेश होने का था, बट अचानक हम लोग आ गए, तो इस वजह से मैं मतलब थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था, इस वजह से मैं गया नहीं। तो लोग गए देखते हो, लोग ज़्यारत करके आएंगे, तो अभी मैं थोड़ा फोर्स करूँगा कि भाई चलो इलाहाबाद, क्योंकि मेरा फ़ोन मतलब मेरा दिमाग ना एकदम ख़राब हो चुका है, क्यों क्योंकि ना मेरा फ़ोन नहीं है ना मेरे पास, तो मेरे को मतलब ना स्टोरी वगैरह शेयर हो पा रही है ना कुछ कुछ भी, तो इसकी वजह से थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया। और फेस ठंडी है यहाँ पर, ये टाइम पे भी इधर 21 सेल्सियस है अभी भी यहाँ ठंडी, और रात में तो 14-12 सेल्सियस होती रहती है। तो देखते अभी साजिद भाई आएंगे तो उससे बात करूँगा मैं, तो जाएंगे इलाहाबाद, अभी कंफर्म यहाँ से इलाहाबाद ही जाएंगे, कोई और दरगाह नहीं जाएंगे। तो फिर आ गए लोग भी, तो चलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स देखो ये मेरे फ़ोन की हालत, चार्जिंग अभी तो हाँ चार्जिंग हो रही नहीं, स्टोर नहीं कर रही है, चार्ज फ़ोन चार्ज हो रहा है बट स्टोर नहीं कर रहा है। तो अभी गया अदनान वो बाइक लेने, तो अभी अदनान बाइक लेके आएगा, यहाँ पूरी शॉप है गंगा जमुना की जो आजू बाजू है, ये पूरी शॉप है, और जस्ट यहाँ पर है दरगाह, ये दरगाह और दरगाह के आजू बाजू भी ये शॉप है, मतलब टोटली मिक्स शॉप है, नॉन मुस्लिम एंड मुस्लिम दोनों सब मिल के इन लोग सबकी शॉप है, और ये जस्ट सामने है गंगा जमुना। तो चलो चलते हैं, देखते हैं अभी अदनान भी आ चुका है, तो देखते हैं अभी जाते हैं। थोड़े टाइम पहले तो तुम बोल रहे थे अब्दुल अब्दुल के अब्बा, कौन से अब्दुल? अब्दुल टिटवाला जो कल परसों में आने वाले, और यह है तालाब, मच्छी पकड़ रहे हो भैया, बताओ एक आधी मच्छी है, अब भी आए हो, चलो ठीक है। साजिद भैया कैसा फील हो? हेड नॉर्थ ईस्ट, पेट्रोल तो है, डाल दो ना 150 का डालो, यहाँ भी है 98 रुपये लीटर। हाँ तो फ्रेंड्स अभी
इलाहाबाद जाने के लिए रास्ते में एक स्टॉप लिए, वो भी पेट्रोल भराने के लिए। तो हमारे साजिद भाई की, साजिद भाई कैसा लग रहा है भैया आपको बैठ बैठ के, कैसा लग रहा है? कैसे है दू? अभी हम लोग आधा रास्ता पहुंचे, बस 30 किलोमीटर और बाकी है इलाहाबाद पहुंचने। तो देखते हैं फिर अभी डायरेक्ट मिलते हैं स्टोर में या फिर चाबी रुकेंगे वहां पर। तो चलो मिलते हैं फिर।